थाना शाहजहाँपुर तहसील मोड़ जिला झांसी से मामला आया सामने, जहां के रहने वाले जय देवी ने बताया है कि 9 माह पहले उसके पति भगवान सिंह की गांव के ही एक युवक द्वारा शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में गांव वालों के कहने पर महिला ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। तो कुछ दिन बाद शिकायतकर्ता पीड़ित महिला के पुत्र दीपक राजपूत को गाँव के ही उसी व्यक्ति के द्वारा तेजर हथियार से वार कर मार डाला। घटना को कई लोगों ने देखा, लेकिन पुलिस के द्वारा उस घटना को दुर्घटना में तब्दील करते हुए मामला दर्ज कर लिया। उक्त मामले को लेकर पीड़ित महिला द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिकायत पत्र भेजकर घटना में शामिल एक अज्ञात व 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज करवाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला बेटे और पति की मौत के बाद न्याय के लिए दर दर भटक रही, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। महिला ने बताया है कि उसे आए दिन आपराधिक के द्वारा धमकियां दी जाती हैं, तो उससे अपनी हत्या का डर भी सताने लगा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? लड़ावरी के। क्या समस्या लेके आई हैं आप? मेरे बच्चा का मर्डर कर दिया। किन लोगों ने मर्डर कर दिया? सोनू पांडे। कहाँ की हैं? लड़ावरी की है। तो आप कहाँ कहाँ पर ज्ञापन दे चुकी हैं? कोई उत्तर नहीं दे रहा है। कोई उत्तर नहीं दे रहा। तो अभी तक आपकी मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? अभी कछु नहीं हुआ है। तो क्या कह रहे हैं आप जाती हैं? तो हमें तो जानने चाह रहा है कि हमें बच्चा को कत्ल हुआ है। भी वाले कह रहे हैं कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पर पहला आए सोनू पांडे घर बच्चा हम लुवाने। कितने समय लुवाने आए थे? 7:30 बजे। 7:30 बजे लुवाने आए थे। 7:30 बजे लुवाने आए, बोले चलो घूमने। सुदीपक बोले तुमने कल चलो हम आ रहे हैं। 5-10 मिनट बाद जी पहुँचे वहाँ पर। पहुँचे बस वहाँ रखा ट्रैक्टर ले गए जी बोरे रख दिया बहाने के वास्ते। वह उनने इन्हें मार डालो। फिर उनने उनकी पूरी बर्माफी पर फोन लगाया, बोले तुम्हारे दीपक का एक्सीडेंट हुआ बुरी तरह से, उनके घर पर कह देना। पूरी बर्मा हमारे घर पर आया तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ कोई नहीं था, ना ट्रैक्टर ना सोनू पांडे। दीपक डरे, वो घिची कटी थी। अच्छा, घिची कटी थी। घिची कटी थी, ना उनके कपड़ा फटे, ना बिल्कुल क्यों लगी, ना छुले। तो आपको क्या लगता कि एक्सीडेंट है इसमें कि मर्डर है? एक्सीडेंट है ही नहीं, हमें बिल्कुल इतने गहरे गहरे घाव थे अंदर घिची पे और कहीं पर चोट ही नहीं। अच्छा, तो मर्डर हुआ? तो बना बहाना बना दिया उन्होंने अपने बचाव के लिए। अपने बचाव के लिए बना। तो आप थाने गई थी, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? थाने गए थे, सुबह कह रहा हाँ निर्णय मिलेगा, लेकिन हमको कोई उत्तर नहीं मिला। आपको उत्तर नहीं मिला? आप क्या चाहती हैं? हम तो अपना नया चाय सा। क्या नाम है आपका? कृपा राम। कहाँ के निवासी हो? लड़ा। क्या समस्या लेके आए थे आप? हमारे बच्चे का मालूम यानी कत्ल हो गया। कत्ल हो गया? क्या तारीख को? जी 15 को। 15 तारीख को। अभी आप कहाँ कहाँ तक ज्ञापन दे चुकी हैं? अबे हम SSP, CO और कुतवाली साजापुर कुतवाली। तो क्या एक्शन हुआ अभी तक? अभी तक कुछ नहीं सुनाई भाई। कुछ सुनाई नहीं हुई अभी तक? कुछ नहीं। तो क्या हत्या लगती है आपको? एक्सीडेंट दिखा रहा है हमें, तो हत्या लग रही है। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। और दुनिया फिर हम चल फिर नहीं पा रहे। आप चल फिर नहीं पा रहे? भाई है 75 साल की उम्र। ना निगाह काम दे रही, ना गुड़े काम दे रहे। तो जिन लोगों ने हत्या की है उनका नाम का पता है आपको? हाँ, एक आदमी का सोनू आकाश पाड़ी उसका। अच्छा अच्छा। उसके पिताजी का क्या नाम है? ज्ञानू। कहाँ की है जी? लड़ावरा की है। क्या दमंग किस्म की आदमी है ये? हाँ, बल्ब है, उनका रिकॉर्ड खराब है, कतली है भी। पहले ये कत्ल कर चुके हैं गांव में। अच्छा, किसका कर चुके पहले? वे मानसिंह का, लोधी का। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आप कहां पर आए थे? आज मऊरानीपुर। क्या नाम है बेटा आपका? मंजू। कहां के निवासी हो? लड़ावरा। क्या समस्या लेके आई थी बेटा? मेरे भाई का कत्ल हो गया। कत्ल हो गया? किन लोगों ने कत्ल किया है? सोनू। कहां की हैं जी? लड़ावरा। क्या कुछ दमंग किस्म की आदमी है क्या जी? हाँ। तो इनके खिलाफ कोई गांव में बोलने वाला नहीं रहता क्या? नहीं, कोई नहीं बोलने वाला। तो ये कितने समय एक्सीडेंट बता रहा है जी? 7 बजे, 7:30 बजे। तो आपको क्या लगता है एक्सीडेंट है कि मर्डर है जी? मर्डर है। तो किन किन लोगों के हाथ हैं शामिल इसमें? हमें तो पता नहीं है, सोनू का हाथ है। जब एक्सीडेंट बताए थे ये, तो कितने समय कॉल आई थी इनकी? 8 बजे। और भाई को आपको क्या बजे लुवा गए थे घर से? 7:30 बजे। 7:30 बजे लुवा गए थे घर से। तो और इसमें और लोगों ने कोई नाम जानते किसी का? 3 आदमी अज्ञात में। 3 आदमी।
तो आप कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन दे आई हैं इसकी? कोई सुनवाई नहीं कर रहा आपकी। तो आपके घर में आप काम करने वाले कौन कौन लोग बचे? कोई नहीं बचे। मम्मी, हम, दादाजी और तीन बहन। दादाजी की कितनी उम्र है आपकी? 60-70 साल की उम्र है। अच्छा अच्छा, अब क्या किस लिए फिर रहे हैं आप लोग? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? अच्छा, न्याय नहीं मिलेगा फिर आप क्या करोगे? हम वहीं पर जाके मर जाएंगे।